हाय गाइस, ड्रूलिंग डाइट किचन में आज हम बताने जा रहे हैं कि इडली का बैटर कैसे तैयार करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर इडली कैसे बनाएं उपलब्ध है, तो उसे देखकर बहुत सारे हमारे फॉलोअर ने हमें कमेंट किया है कि उसमें विस्तार से बताया नहीं गया है कि इडली का बैटर कैसे तैयार करें। तो आज हम स्पेशली आपको ये वीडियो बना रहे हैं कि इडली का बैटर कैसे तैयार करें और उड़द दाल कैसे पीसे और राइस भिंगोया हुआ कैसे पीसे। ये दोनों हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आपको हमारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इडली कैसे बनाएं, उड़द दाल कैसे पीसे, भिंगोया हुआ चावल कैसे पीसे। ये तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ बताते हैं कि कितना लेना चाहिए हमारा। तो ये हमारा भिंगोया हुआ चावल पीसा हुआ है, इसे पीसने के बाद थोड़ा पानी मिलाकर और हम रेस्ट करने के लिए छोड़ दिए थे। ये 2 घंटा रेस्ट कर चुका है, अभी गर्मी का सीजन है इसलिए 2 घंटा काफी है। जाड़े के सीजन में 2 घंटा से अधिक के इसे रेस्ट करने का जरूरत होता है। और ये हम 1 कप डाले चावल का पाउडर, और 1 कप चावल का पाउडर में हमें 1/4 कप उड़द का पेस्ट डालना है, उड़द के दाल का। ये जो है क्वांटिटी बराबर नहीं होता है, जिससे कि सही तरीका से हमारा इडली नहीं बन पाता। तो यहाँ हम आपको सही क्वांटिटी बता दिए। अब इसे हम मिला लेते हैं, अच्छी तरह इसे मिला लेंगे। और बारी आता है इसका थिकनेस का, इसका थिकनेस काफी मायने रखता है। इसका थिकनेस सही होगा तभी आपका इडली बेहतर बनेगा। तो ये काफी गाढ़ा है, इसमें हम थोड़ा पानी डाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे। एक ही बार पानी डालेंगे तो पतला हो जाएगा, फिर बेकार हो जाएगा, इसलिए हल्का हल्का पानी मिलाते जाएंगे। थिकनेस देखिए, ये परफेक्ट है, इस तरह का थिकनेस इसमें चाहिए, इस तरह का ये थिकनेस है, ये सही है। ज्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए, ज्यादा पतला भी नहीं चाहिए। ये देखिए, हम बार बार दिखा रहे हैं कि आप अंदाज कर सकें कि इसका थिकनेस कैसा है। इस तरह का उपयोगी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।